बोर्ड में बेसिकली मेरे बैकग्राउंड से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि मैं आईटी से हूँ और मैंने 3 साल तक जॉब किया था, तो आईटी सेक्टर के बारे में पूछा गया। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, उसके साथ ही अगर सिचुएशन भी बस था, उस हर पॉइंट का एक एक दो दो पेज में मैंने नोट्स बना लिया था, और बाकी मार्केट में जो कोचिंग के मटेरियल मिलते थे थोड़ा बहुत, उससे भी मैंने हेल्प किया। सर, इसमें प्रारंभिक परीक्षा 2000। नमस्कार दोस्तों, UPSC डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, PCS 2023 का साक्षात्कार चल रहा है, कैंडिडेट बाहर निकल के आए, आइए जानते हैं कैसा रहा इंटरव्यू, वो सारी चीज़ें जो आप सभी लोग जानना चाहते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सच्चिदानंद यादव है। अच्छा सर, जानना चाहेंगे आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड और साथ ही में आपका जो होम टाउन डिस्ट्रिक्ट। मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीटेक किया है NIT रायपुर से, और मैं जौनपुर जिले का निवासी। अच्छा सर, इसके पहले आपने कितना मेंस दिया है लोक सेवा आयोग का, और इंटरव्यू आपका ये मेरा सेकंड इंटरव्यू होगा, और मैंने इसके पहले 4 बार और अटेम्प्ट किया था। सर, इसके पहले कहीं सेलेक्टेड? नहीं, सेलेक्टेड नहीं है। अच्छा, सेलेक्टेड नहीं। सर, जानना चाहेंगे जो बोर्ड मेंबर थे वो कौन थे और कितना देर इंटरव्यू चला? मेरा इंटरव्यू लगभग 25 मिनट के आसपास चला होगा, 25 मिनट से ज़्यादा ही चला मुझे लग रहा था, टाइम तो मैंने नहीं देखा। लेकिन बोर्ड मेंबर जो थे वो मेरा मुकेश मिश्रा सर के बोर्ड में। मुकेश मिश्रा। तो सर, आपका जो ऑप्शनल था इसके पहले वो कौन सा था, और साथ ही में आपका जो माध्यम रहा वो कौन सा? मेरा हिंदी मीडियम है, और इसके पहले जो मेरा ऑप्शनल था वो ज्योग्राफी था, क्योंकि इस बार ऑप्शनल हटा दिए तो इस बार कोई ऑप्शनल का नहीं। अच्छा सर, फिर बोर्ड में आपसे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, सिचुएशनल बेस को लेके, करंट को लेकर के, साथ ही में और किसी प्रश्न को लेकर? बोर्ड में बेसिकली मेरे बैकग्राउंड से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि मैं आईटी से हूँ और मैंने 3 साल तक जॉब किया था, तो आईटी सेक्टर के बारे में पूछा गया। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, उसके साथ ही अगर सिचुएशन बेस सवाल की बात करें तो उन्होंने ये कहा था कि अगर आप SDM होंगे तो आप अपने गाँव के क्षेत्र में क्या ऐसा 3 कदम उठाएंगे कि वहाँ पर डेवलपमेंट कर सके, और ऐसे ही सवाल थे। दूसरा ये उन्होंने पूछा था कि आप आईटी सेक्टर में थे तो आप वहाँ पर रह करके स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते थे, ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे सकते थे, अगर आप इस सेक्टर में आ जाएंगे तो आप तो एक नौकरी कर रहे होंगे, तो आप इसको कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं, तो इस टाइप के सिचुएशन। कुछ करंट वरेंट को लेकर? करंट के कोई विशेष करंट का मुद्दा तो नहीं पूछा गया था, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए। ऐसे क्वेश्चन सर, जानना चाहेंगे इस बार ऑप्शनल हट गया, उसकी जगह पे पेपर 5th और 6th जुड़ा है, तो उसकी तैयारी आपने इतने कम समय, जबकि समय भी बहुत कम था, इतने कम समय में किन किन सोर्सों से किया और क्या स्ट्रेटजी रणनीति आपने सब बनाई? बेसिकली देखिए, यूपी स्पेशल की तैयारी करने के लिए मैंने मार्केट से कुछ लिए थे, इंटरनेट की सहायता ली थी, जो भी सिलेबस था उस हर पॉइंट का एक एक दो दो पेज में मैंने नोट्स बना लिया था, और बाकी मार्केट में जो कोचिंग के मटेरियल मिलते थे थोड़ा बहुत, उससे भी मैंने हेल्प किया। सर, इसमें प्रारंभिक परीक्षा 2024 का काफ़ी नज़दीक है इस समय, तो उसके लिए आप क्या रणनीति हमारे जो व्यूअर्स हैं इनको बताएंगे, और साथ में आप भी क्या अपनी रणनीति लेके चल रहे हैं इस समय? क्योंकि समय कम है तो सबसे सही तरीका ये है कि आप अपना बेसिक 1-2 बार रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद जितना ज़्यादा हो सकता है टेस्ट सॉल्व कीजिए, क्योंकि अगर आप टेस्ट सॉल्व करेंगे तभी यहाँ पर गलतियाँ होने के चांसेस कम होंगे और आप सफल। सर, कुछ हमारे जो व्यूअर्स हैं इनको मोटिवेशन जो है कुछ आपकी तरफ से यदि हो? मोटिवेशन का मतलब यही है कि ये जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसमें असफलता मिलती रहती है, तो असफलता से घबराएं नहीं और लगातार प्रैक्टिस करते रहें, टेस्ट देते रहें, सफलता मिलेगी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय हमारे चैनल ले दिया, और शुभकामनाएं कि इस बार आपका सिलेक्शन किसी बड़े पद पर जो। थैंक यू। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और रणभर्ती विभाग की तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आप सभी लोगों से मिस ना होने पाए, ऐसे ही टॉपर्स के मोटिवेशन वीडियोस भी आप सभी लोगों के पास पहुंचते रहें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।